हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल थ्रिफ्टिंग मॉम। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड प्रेस बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर हम आपके लिए आज लेकर आए हैं मिनिएचर गार्डन, या फिर जिसे हम फेरी गार्डन भी कह लेते हैं। इसमें हम बहुत ही छोटी छोटी चीजें यूज कर एक गार्डन टाइप का बनाते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं गणेश चतुर्थी के उपलक्ष पर गणेश जी के साथ एक फेरी गार्डन बनाना। फेरी गार्डन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक राउंड बिग पॉट लिया है और ये है फाइकस बोनसाई, जो कि मैं फेरी गार्डन बनाने के लिए यूज करने वाली हूँ। और ये हमने फेरी गार्डन के लिए सॉइल बनाकर रखी है, जिसमें रेड सॉइल है और कुछ रेत है, जो कि इस मिट्टी को भुरभुरा बनाता है। तो इस पॉट में मैंने एक पत्थर रख लिया है जो कि मिट्टी को बाहर नहीं निकलने देगा और एक्सेस वाटर को जो है वो बाहर निकाल देगा। तो सबसे पहले हम अपने प्लांट को निकाल लेते हैं, उसकी रूट्स देखते हैं। तो प्लांट लगाने के लिए हम एक्स्ट्रा मिट्टी हटाकर, जो कि बड़ी बड़ी रूट्स हैं, उनको हम प्रूनर की हेल्प से काट देंगे। क्योंकि बोनसाई प्लांट है तो इसकी रूट्स को हमें बहुत ज़्यादा बड़ा या फैलने नहीं देना होता है। तो हमारा प्लांट रेडी है, अब हम मिट्टी डालेंगे अपने पॉट में। अब हम प्लांट लगाते हैं। प्लांट लगाने के लिए हम पीछे से थोड़ी जगह छोड़ देंगे। तो थोड़ी सी जगह छोड़कर हम अपने प्लांट को यहाँ पर लगा लेंगे। हम फेरी गार्डन के लिए ये बोनसाई मैंने इसलिए चूज करा है क्योंकि यह एक बड़े पेड़ की तरह लगेगा। तो जो फेरी गार्डन में है, जैसे कि एक आम गार्डन में जो पेड़ होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसी तरह का लुक देने के लिए मैंने इस बोनसाई को इस फेरी गार्डन के लिए चूज किया है। अब गार्डन में कोई एक प्लांट तो होता नहीं है, तो उसके साथ हमें दूसरे प्लांट्स भी लगाने हैं। तो यहाँ पे मैं 3-4 प्लांट्स को और लगा दूंगी। यहाँ पर मैंने चूज किया है स्नेक प्लांट, जो कि ड्वार्फ वैरायटी का है। तो इसको हम थोड़ी सी मिट्टी निकाल के लगा देंगे। और यहाँ पर इस गार्डन को भरा भरा लुक देने के लिए मैं यहाँ पर कुछ और प्लांट्स भी लगा रही हूँ। आप अपनी चॉइस के कोई भी प्लांट्स यहाँ पर लगा सकते हैं। आप चाहें तो एक ही पौधे के साथ भी आप अपना फेरी गार्डन बना सकते हैं। वहाँ पर आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने की और भी जगह मिल जाती है, लेकिन मुझे ज़्यादा प्लांट्स के साथ ही फेरी गार्डन ज़्यादा पसंद आता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा प्लांट्स लगा रही हूँ। यहाँ पर मैंने अलग अलग तरीके के प्लांट्स को चूज़ किया है। अब जो एक्स्ट्रा लीव्स मुझे दिख रही हैं, जो कि मुझे हटानी है, उनको मैं प्रूनर की हेल्प से यहाँ पर ट्रिम कर दूंगी। ट्रिम करने के बाद भी फेरी गार्डन उतना ही हरा भरा दिख रहा है। अब मुझे यहाँ पर गणेश जी के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, तो मैंने वाइट कलर का एक पत्थर लिया है और उसके ऊपर मैंने गणेश जी बिठा दिए हैं।
अब इसको और रियल लुक देने के लिए मैं यहाँ पर लगा रही हूँ कुछ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स। अब हम इसमें लगाएंगे एक फैंस जो कि ये प्लास्टिक की बनी हुई है, तो ये आसानी से लग भी जाएगी, तो इससे ये एरिया थोड़ा सा सेपरेट दिखेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक फैंस लगा रही हूँ। अब मैं बनाने जा रही हूँ गणेश जी तक जाने का रास्ता, जिसके लिए मैंने व्हाइट कलर के छोटे छोटे स्टोन्स को यूज किया है। जिस भी तरह का पाथवे आप बनाना चाहते हैं वो इनसे आप आसानी से बना सकते हैं। ये सारे के सारे मिनिएचर्स आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। पाथवे बनकर रेडी है और जो एक्स्ट्रा स्टोन साइड में गिरे थे उनको मैंने हटा दिया है। मुझे बनाना है साइड में एक तालाब या पॉन्ड, छोटा सा मैं बना रही हूँ। उसके लिए यहाँ पर मैंने ब्लू कलर का सैंड यूज़ किया है। ये सैंड भी आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक स्पून की हेल्प से मैंने इसको डाल दिया है। इसको हम प्रेस नहीं करेंगे, नहीं तो ये मिट्टी ऊपर आ जाएगी, जो सॉइल है वो सैंड के ऊपर आ जाएगी, तो इसलिए इसको हम बहुत ही हल्के हाथ से फैलाएंगे। और वहाँ पर जो खाली जगह थी फ्लावर्स के आगे पाथवे के साइड में, तो वहाँ पर मैंने कुछ मशरूम्स हैं, जो पिन मशरूम्स हैं वो मैंने वहाँ पर लगाए हैं। तो आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा के अलग अलग तरह की चीजें लगा सकते हैं। तो ये कुछ रेड कलर के स्टोन्स हैं जिनसे मैं इन पॉन्ड की बाउंड्री बना रही हूँ। अब तालाब तो बन गया है, तो इसके अंदर हम एक डालेंगे मछली यानी कि फिश। तो मेरे यहाँ पर एक पिन फिश है, तो यहाँ पर एक मछली है तालाब में और यहाँ पर है एक छोटी सी डक। ये है एक लेडी जो कि सेरामिक से बनी हुई है, तो इसको हमने यहाँ पर बैठा दिया है नीचे। अब पेड़ पर कोई बर्ड ना हो तो इसलिए पेड़ के ऊपर एक बर्ड भी हमने बैठा दिया है। ये हैं कुछ फूल जो कि ये लेडी बैठकर यहाँ पर बेच रही है, तो ये भगवान के ऊपर चढ़ाने के लिए यहाँ पर हमने फूल रख दिए हैं जो कि ये लेडी के पास है। अब हम साइड की बची हुई जगह को ये मैं ब्राउन कलर के स्टोन्स हैं उनसे फिल कर रही हूँ। और हम भगवान जी के सामने दिया तो जलाते हैं, तो ये मिनिएचर दिया मैंने सी शेल में, छोटे से सी शेल में घर पर ही वैक्स डालकर बनाया है।
तो एक पत्थर के ऊपर हम दिया रख के गणेश जी के सामने रख देते हैं। एक छोटा सा घर जो कि मंदिर के पीछे है, या हम कह सकते हैं कि गणेश जी के पंडाल के पीछे एक घर है, तो घर हमने वहां पर रख दिया है। अब ये हमारा फेरी गार्डन लगभग तैयार है। तो अब हमें चाहिए है एक घंटी जो कि मंदिर में पूजा करते हुए हम बजाते हैं। तो एक ये स्टिक पर मैंने एक बेल लगाकर वहां पर पीछे टांग दी है। अब पूजा करने के लिए भी तो कोई चाहिए, तो ये जो साहब हैं वो पूजा करने के लिए जा रहे हैं। तो अब हम लगाते हैं लाइट्स। तो फेरी गार्डन में यहाँ पर मैंने लाइट्स लगा दी हैं। हमारा फेरी गार्डन तो बन गया है, तो चलिए पंडाल सज गया है, तो पूजा करने का वक्त आया है। तो हमने दिया जला दिया है, तो यहाँ पर हमने छोटा सा दिया गणेश जी के सामने जला दिया है। तो ये था हमारा गणेश चतुर्थी का स्पेशल फेरी गार्डन जो कि गणेशा थीम पर है। तो यहाँ पर इस फेरी गार्डन में मैंने बहुत सारी चीज़ें यूज़ करी हैं। गणेश जी यूज़ करे हैं, एक लेडी यूज़ करी है, एक बेल यूज़ करी है, एक बर्ड है, एक डक है, फिश है, एक आदमी है, कुछ मशरूम्स हैं, कुछ फ्लावर्स हैं, एक घर है और लाइट्स हैं, और एक स्पेशल मेड दिया है जो कि आप खुद बना सकते हैं। तो आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके अलग अलग टाइप के फेरी गार्डन्स बना सकते हैं। यह तो एक तरीका है फेरी गार्डन बनाने का। आपके पास ढेरों आइडियाज़ होते हैं, तो आप अपने आइडियाज़ लगा के फेरी गार्डन बनाइए और इस गणेशा उत्सव को स्पेशल बनाइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग थ्रिफ्टिंग मॉम।